सो बेटा दिस इज द बुक विच यू आर टू परचेज एंड वेन एवर यू हैव द क्लास यू शुड ब्रिंग दिस बुक विद यू अलॉन्ग विद द पेंसिल सो दैट यू कैन मार्क द इम्पॉर्टेंट लाइन्स और इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्लिप सो यू मस्ट हैव दिस बुक वेन एवर यू हैव योर सोशल साइंस क्लास एंड द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट मैप्स एंड ग्लोब्स मैप एंड ग्लोब ओपन लेसन नंबर वन मैप्स एंड ग्लोब्स नाउ सब बच्चों को मैप के बारे में पता है मैप क्या होता है पता है ना सब बच्चों को आपने किया हुआ है थर्ड में भी किया है फोर्थ में भी किया है दिस इज द मैप ये क्या है दिस इज द मैप आई हैव वन मोर मैप कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मैप्स आई विल शो यू बोथ What is the difference between these two maps? Ma'am, one is of India and one is of world. Very good. बेटे you are not to speak until you are asked. जब आपको बोलेंगे ना तभी आपने बोलना है clear? First raise your hand, then only you are to speak. One is Indian map, other is of world map. क्योंकि अब हमने पूरी अर्थ के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए हमें कौन सा मैप रिक्वायर्ड है वर्ल्ड मैप वी रिक्वायर वर्ल्ड मैप क्योंकि इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स और सारी वाटर बॉडीज दिखाई गई है और एक और चीज रिक्वायर्ड है दिस इज ग्लोब कैन यू सी ग्लोब इज इट विजिबल See, this is globe. Globe को ना replica of earth भी कहते हैं क्यों कहते हैं replica of earth? क्योंकि ये exactly earth के जैसा दिखता है It looks like earth. हमारी earth भी round है जिस तरह ये globe round है ना हमारी earth भी round है Clear? और आपने सुना ही है अर्थ रोटेट करती है रिवॉल्व करती है तो जैसे अभी मैं ग्लोब को रोटेट कर रही हूँ सी ग्लोब रोटेट हो रहा है ना घूम रहा है तो ऐसे ही हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है सो लेट्स रीड फर्स्ट पैराग्राफ आवर प्लैनेट अर्थ इज राउंड इन शेप ये कैसे पता चला कि हमारी अर्थ जो है राउंड है पहले टाइम पे लोगों को लगता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है एकदम से फ्लैट जैसे ये बुक है हम आगे जाएंगे तो आगे जाकर के अर्थ खत्म हो जाएगी हम नीचे गिर जाएंगे क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हुई एडवांस एस्ट्रोनॉट्स ने पिक्चर्स क्लिक करी स्पेस से जा करके तो उन पिक्चर्स से हमें पता चला कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है दिस इज राउंड शेप ऑफ अर्थ और इन पिक्चर्स से हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को क्लियर हो गया कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है फ्लैट नहीं है क्लियर और जब हम स्पेस से देखते हैं तो हमारी अर्थ जो है ना हमें ब्लू नजर आती है इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं हम अर्थ को क्या कहते हैं ब्लू प्लैनेट क्यों क्योंकि इसमें 71% वाटर है और 29% लैंड है अब ये देखो जितनी भी ब्लू कलर में ये ब्लू कलर है ना आप दिख रहे तो ब्लू कलर जो है वो सारा वाटर बॉडीज है क्लियर बीच बीच में भी है ये देखो लुक ये जितनी भी ब्लू कलर यूज किया जाता है वाटर बॉडीज को शो करने के लिए और बाकी के जो कलर्स हैं वो लैंड एरिया को शो करती है सो इन दिस वे वाटर
covers more space. 71% of the earth is covered with water. तो इसीलिए पानी ज्यादा होने के कारण हमारी अर्थ जो है वो ब्लू नजर आती है अगर हम स्पेस से देखें. क्लियर? अब वाटर बॉडी तो पता चल गया, जितना भी ब्लू पार्ट है दैट इज कॉल्ड वाटर बॉडीज. लेकिन जो एरिया लैंड एरिया है जो अलग अलग कलर से दिखाया गया है या फिर मैप में हम व्हाइट पार्ट्स में दिखाते हैं, बड़े बड़े लैंड के पीसेस जो है इनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स. इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स. गुरसिमर कौर, माई वॉइस इज ऑडिबल बेटी? चेक योर नेटवर्क कनेक्शन. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन ज्वाइन द लिंक अगेन. सो जितने भी ये व्हाइट पार्ट है दैट इज द लैंड मासेस, और इन लैंड मासेस को हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स. इनको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स. वी हैव सेवन कॉन्टिनेंट्स. अब सेवन कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? लेट मी शो यू. दीज आर द कॉन्टिनेंट्स. सबसे पहले देखो इस तरफ, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. बीच में ना जो है ये लाइन लगी हुई है, दिस इज ट्रॉपिकल कैंसर. मैम ये कौन सा मैप है? वर्ल्ड मैप है बेटे. लेटर ऑन आई विल टेल यू टू परचेज इट. ओके, टुडे तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट. ओके, सो जो ये नॉर्थ साइड पे है दिस इज नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ मतलब होता है ऊपर वाली साइड, और नीचे वाली साइड पे दिस इज साउथ अमेरिका. क्लियर? नेक्स्ट है ये वाली चीज, दिस इज यूरोप एंड अफ्रीका. फोर कॉन्टिनेंट्स पता चल गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका. देन कम्स एशिया. इंडिया जो है ना, देखो इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है. एशिया कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, और इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. क्लियर? सिक्स हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया. सेवन्थ जो है बिल्कुल एंड में है, इसको बोलते हैं एंटार्क्टिका. इसको क्या बोलते हैं? एंटार्क्टिका. यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं. इट इज कवर्ड विद स्नो. ये सारा साल स्नो से कवर्ड रहता है. क्लियर? बट दिस इज द कॉन्टिनेंट, दिस इज द एंटार्क्टिका. क्लियर? तो सेवन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता चल गया. नेक्स्ट, देयर आर फाइव ओशंस. ओशंस होती है वाटर बॉडीज. फाइव ओशंस कौन से हैं? इस तरफ पैसिफिक ओशन, देन कम्स ये ऐसे शेप में अटलांटिक ओशन. क्लियर? अटलांटिक ओशन. इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, और ऊपर जो है दैट इज आर्कटिक ओशन. क्लियर? आर्कटिक सर्कल जो है ना, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक ओशन. ऊपर जीरो डिग्री लिखा होगा, यहाँ पे है आर्कटिक ओशन, और नीचे एंटार्क्टिका के साथ जितनी भी ये व्हाइट ब्लू कलर में है, दिस इज सदरन ओशन. दिस इज सदरन ओशन. जितना भी ब्लू पार्ट है ना एंटार्क्टिका के ऊपर, ये सारा क्या है? सदरन ओशन. क्योंकि हमारी अर्थ है, जब अर्थ राउंड होगी तो हमारा मैप भी इस तरह से हो जाएगा, है ना? हमारा मैप भी इस तरह से हो जाएगा. सो ये जो पैसिफिक ओशन है नॉर्थ अमेरिका के साथ भी है, तो इस तरफ भी पैसिफिक ओशन आए. नाउ आई विल शो यू फ्रॉम द ग्लोब.
ये देखो, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका. इसकी वेस्ट में क्या है? ये सारा बहुत बड़ा सबसे लार्जेस्ट ओशन है, दिस इज पैसिफिक ओशन. इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशन. और ये नॉर्थ अमेरिका से लेकर के एशिया तक टच करता है. क्लियर? ये सारा बड़ा सा क्या है? पैसिफिक ओशन. क्लियर मैम? तो सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन नहीं है? यस. यू आर नॉट टू स्पीक इन बिटवीन शिवांश. एक्सक्यूज मी बेटी, इफ यू हैव एनी डाउट आई विल गिव यू टाइम एट द एंड. नाउ जस्ट लिसन टू मी. अपने डाउट्स साथ में लिख लो, लेटर ऑन आई विल डिस्कस ऑल द डाउट्स. ओके? सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. क्लियर? नेक्स्ट इज देयर आर 5 ओशंस. कौन कौन से हैं? अभी मैंने बताए हैं पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन जो है ना वो स्मॉलेस्ट है. सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक ओशन. और लास्ट में जो है जिसको हम एंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, सदरन ओशन भी कहते हैं, आपकी विषय है, उसको एंटार्कटिक ओशन भी कह सकते हो, सदरन ओशन भी कह सकते हो. तो इस तरह से हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस जो है मिलके अर्थ बनाते हैं. ये सारी अर्थ जो है ओशंस और कॉन्टिनेंट से बनी हुई. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं. यहाँ पे पेज नंबर 7 ओपन करो बेटे. हेयर आर द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द थिंग्स. लुक एट द मैप एंड राइट द नेम्स ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. कैन एनीवन टेल विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? रे योर हैंड. अवनी डिंगरा, अनम्यूट योर सेल्फ बेटे. मैम लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया. वेरी गुड. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया. सो यू मस्ट राइट विद पेंसिल ऑन योर बुक विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया. और एशिया का ए कैपिटल आएगा. हरिष्का, आपने एशिया का ए स्मॉल डाला है बच्चे. नेम ऑफ द प्रॉपर नाउन शुड बी रिटन इन कैपिटल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. हु विल राइट? राइट इन द चैट बॉक्स विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. एनीवन नोस? रे योर हैंड डोज हु नो. यस, अयान, वेरी गुड. अयान, अनम्यूट योर सेल्फ बच्चे. ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आपने फोर्थ में भी पढ़ा हुआ है आई थिंक. कॉन्टिनेंट इन विच इंडिया लाइज. लक्षिता, अनम्यूट योर सेल्फ. मैम एशिया. यस, इंडिया लाइज एशिया कॉन्टिनेंट. वेरी गुड. सो यू नो, सो आपने साथ साथ में लिख लिया. ओके, यू मस्ट राइट साइड. नेक्स्ट कम्स ग्लोब. अब हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? ग्लोब क्या होता है? अभी मैंने दिखाया. व्हाट इज ग्लोब? इट इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. इसको हम रेप्लिका ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली जो है अर्थ के जैसे दिखती है. ठीक है? इसकी शेप एग्जैक्टली वैसी है जैसे हमारी अर्थ की शेप है. अर्थ भी राउंड है, ये भी राउंड है. क्लियर? इसको राउंड मैप ऑफ द अर्थ भी कहते हैं. एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होती है. एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन मतलब एक्यूरेट होता है, बिल्कुल करेक्ट. ये हमारे वर्ल्ड के कंट्रीज में, कहाँ पे कंट्री है, कहाँ पे वाटर बॉडी है,
कहाँ पे दूसरा कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है, ये उसकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन दिखाती है, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दिखाती है कि हमारे ग्लोब पे कहाँ पे कंट्री है, कहाँ पे वाटर बॉडी है, ये सारी चीजें हमें ग्लोब से पता चल जाती है। क्लियर? अब इस ग्लोब के ना यहाँ पे देखो, ये देखो एक राउंड सा ये टिप लगी हुई है ना, नीचे भी है ऊपर भी है, जिसके कारण ये रोटेट करती है। ये रियल में नहीं होता है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्सिस, जिस कारण से ये रोटेट कर रही है। क्लियर? तो ये एक्सिस जो है इमेजिनरी लाइन है जहां पे हमारी अर्थ रोटेट करती है। इसके रोटेट करने से ही डे एंड नाइट बनते हैं। जैसे ये इंडिया है, इंडिया अगर सन के आगे आ जाता है तो यहाँ डे हो जाता है, लेकिन रोटेट करते 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 जब सन की बैक साइड पे चला जाता है तो हमें हमारे यहाँ रात हो जाती है। फिर धीरे 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 ये रोटेट करता है, 24 आवर्स में ये एक चक्कर पूरा लगाता है, तो फिर दोबारा से दिन आ जाता है। ये देखो इंडिया में फिर से दिन आ गया है ना, तो फिर ऐसे ऐसे चलता जाता है। तो इस तरह से रोटेशन से हमारे डेज और नाइट बनते हैं। क्लियर? तो ये एक्सिस जो है ग्लोब के ऊपर और नीचे से एक लाइन डाली हुई है, जिस कारण से ये रोटेशन हो रही है। अर्थ के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, अर्थ तो नेचुरली रोटेट करती है। जो इसका टॉप पॉइंट होता है, टॉप पॉइंट है ना, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो बॉटम पे होता है, बॉटम होता है नीचे, उसको कहते हैं साउथ पोल। क्लियर? नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोब। एग्जैक्टली हमारी अर्थ इसके जैसे नजर आती है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है, फायदे क्या है ग्लोब के, मेरिट्स। मेरिट्स क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरिट्स ऑफ ग्लोब। हमें ग्लोब के क्या फायदे हैं, क्यों हम ग्लोब को स्टडी करते हैं। ग्लोब से स्टडी करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अर्थ तो इतनी बड़ी है, उसको अगर हमने पढ़ना है, उसके बारे में सोचना है, तो हमारे लिए तो बहुत टफ है सारे अर्थ का चक्कर लगाना। तो इसीलिए एक छोटा सा मॉडल ऐसे बनाया हुआ है जो कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, इस कंट्री की शेप ऐसी है, ये कंट्री छोटी है, ये कंट्री बड़ी है, यहाँ पे वाटर बॉडी छोटी वाली है, यहाँ पे हिल्स है। तो इस तरह से हमारे को ग्लोब से पता चल जाता है कि हमारी अर्थ पे कहाँ पे वाटर बॉडी है, कहाँ पे हिल्स है, कहाँ पे माउंटेन्स है। तो ये हमें एकदम से एक्यूरेट पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अर्थ हमारी कैसी है, क्योंकि इसकी शेप एकदम से अर्थ के जैसी है। तो ये बेस्ट वे है अर्थ को स्टडी करने का। इससे हमें करेक्ट शेप पता चल जाती है, हमें पता चल रहा है देखो इंडिया के साथ कौन सी कंट्री है, नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, चाइना बड़ी कंट्री है, उस सबसे बड़ी रशिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, हमें कॉन्टिनेंट कौन सा बड़ा है, वाटर बॉडी कौन सी बड़ी है, ये सारी चीज़ें हमें ग्लोब से पता चल जाती है। ये तो हो गई उसकी मेरिट्स, फायदे हो गए, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस मतलब क्या होता है, कमियाँ, कि इसकी क्या कमियाँ हैं, क्यों हम ग्लोब को हर टाइम यूज नहीं करते। सबसे पहले है, ये बहुत डिफिकल्ट है कैरी करना। अभी मेरे को बार बार रखना पड़ रहा है, बार बार उठाना पड़ रहा है ना, तो इट इज डिफिकल्ट टू कैरी। अभी ये छोटा है, लैब्स में तो बहुत बड़े बड़े ग्लोब्स होते हैं ना, छोटा ग्लोब है फिर भी इजीली कैरी कर सकते हैं, लेकिन बड़े ग्लोब को हम इजीली कैरी नहीं कर सकते। ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन क्या है, हम अब मैं देखो मेरी तरफ कोई और कंट्री है, मेरी तरफ इंडिया कंट्री है, लेकिन आपकी तरफ वाटर बॉडी है ना, तो
मैं सिर्फ वन पार्ट देख सकती हूँ और आप भी इसको वन पार्ट देख सकते हो। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है ना, तो आपको इसको घुमाना पड़ेगा, यू आर टू रोटेट इट, ताकि आपको दूसरा पार्ट दिख सके। हम एट ए टाइम हाफ पार्ट ही देख सकते हैं ना, अब आपको ये दिख रहा है, मेरे को दूसरा दिख रहा है, तो वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द ग्लोब एट वन टाइम। टू सी द अदर हाफ वी हैव टू टर्न इट अराउंड, हमें इसको घुमाना पड़ेगा। क्लियर? थर्ड इसका पॉइंट है जो बहुत टफ है, यहाँ पे छोटे छोटे टाउन्स, छोटी छोटी सिटीज नजर नहीं आते। अब जैसे ये देखो इंडिया है, इंडिया आपको दिख रहा है ना? अब इंडिया में अगर मैं कहूँ बच्चे फगवाड़ा ढूंढो, तो विल यू बी एबल टू फाइंड इट? नो, फगवाड़ा छोटी सी टाउन है, छोटा सी सिटी है, फगवाड़ा नहीं ढूंढ पाओगे, इवन पंजाब को नहीं देख पा रहे हो आप, है ना? ग्लोब पे ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि छोटी छोटी टाउन्स को देखा जा सके या छोटी हिल्स लैंडफॉर्म्स को देखा जा सके, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ हिल्स हैं, छोटी छोटी हिल्स यहाँ पे नहीं आते। और एक और इसका ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये हमें अपनी कंट्री की या अपनी सिटी के डिटेल में बताते नहीं है। अगर हमें अपनी कंट्री के बारे में या अपने सिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना हो, तो वो हम इसमें से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें मैप की रिक्वायरमेंट होती है। मैप आपको पता ही है, फ्लैट पेपर के ऊपर हम मैप बनाते हैं, तो इस तरह से मैप को हमें यूज करना पड़ता है अगर हमें किसी चीज को डिटेल में पढ़ना हो। तो इस तरह से ग्लोब जो है हम हर टाइम यूज नहीं करते, लेकिन जो मैप है, मैप हम कभी भी यूज कर सकते हैं अपने पास। क्लियर? सो अभी आपको मैप हम कल पढ़ेंगे। ग्लोब के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई, हमारी अर्थ कैसे दिखती है ये सारी चीजें क्लियर हो गई। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, यस शो मी योर थम्स अप, वेरी गुड एंजल, गुड एंजल इज द न्यू स्टूडेंट आई थिंक, संचिता गुड, मिसबा वेरी गुड। सो इफ यू हैव एनी डाउट आई एम going to ask from you, raise your hand, okay? If you have any doubt, you will raise your hand and I will allow you to ask. सबने इकट्ठे नहीं बोलना है,